हेलो स्टूडेंट, हमने पहले जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम प्लांट का जो क्लासिफिकेशन हो रहा, सबसे पहले हमने देखा था कि वो प्लांट के हाइट के हिसाब से प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया। तो हाइट के हिसाब से ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, इसके बारे में हमने देखा। अभी उसके आगे जो है, अभी ये देखना हमें कि जो प्लांट है कि जिनको सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट लेके वो क्लाइंबर्स, ऐसा बिटर गोर्ड के बारे में हम देखते कि बिटर गोर्ड इज अ वाइन में आती है ना, सम वाइन्स नीड्स अ वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग व्हाइल द सम अदर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। अभी कुछ ऐसे है कि उनको सपोर्ट लगता ग्रोथ होने के लिए, वो प्लांट की ग्रोथ होने के लिए, या तो वो ग्राउंड पे क्या होते, स्प्रेड होते। सर क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव द एरियल रूट्स। सर हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंड्रिल्स दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग। अभी वो स्प्रिंग लाइक रहते और वो क्या करते, सपोर्ट को वीन करते चलते, और वीन करते करते वो ऊपर चलते रहते, क्योंकि उनकी जो फ्रूट है वो फ्रूट वो प्लांट के हिसाब से, प्लांट जैसे ये ऐसे डेलिकेट प्लांट है, वीक प्लांट है, तो उनको सपोर्ट के लिए उनकी जो फ्रूट है वो फ्रूट हीवी रहते, तो हेवी फ्रूट को सपोर्ट देने के लिए ये प्लांट कहाँ रहते, तो ये ऊपर चढ़ते रहते उनको, अपन टेंड्रिल्स, और टेंड्रिल्स थ्रू वो ऊपर, ऐसे टेंड्रिल्स के सपोर्टिंग, एक सपोर्ट करने वाले प्लांट के जो स्टेम है, वो स्टेम का कैसे मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन थ्रू वो उसको ऊपर चढ़ते रहते। ऑफ व्हाट यूज कुड दे बी टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन्स, व्हाट डू यू फील, आपको कैसा फीलिंग होता अगर उनके स्टेम को अगर टच किया वाइन्स के, तो क्या दिखते हमें कि एक स्प्रिंग लाइक ऐसे फ्लेक्सिबल स्टेम कैसे रहते हैं उनके, इज अ फ्लेक्सिबल, द स्टेम ऑफ क्रीपर इज अ वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन, इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। किसका सपोर्ट लेके वो ऊपर चढ़ते रहते हैं, द वेरियस क्रीपर्स। एंड अभी उसके देखो, उसके कुछ डायग्राम बताए हुए हैं, क्लाइंबर्स वाइन्स वेरियस क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अभी फॉर हाउ मेनी ईयर्स डू द क्रॉप लाइक बाजरा वीट कॉर्न रेडिश मारीगोल्ड लिव, अभी इनकी लाइफ साइकिल कितनी है, ओ वन ईयर, मैंने अभी कुछ महीने के लिए, 3-4 महीने में इनका लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, और वो फ्रूट और फ्लावर देने के बाद में उनकी डेथ हो जाती है ना। हाउ मेनी ईयर्स डू द क्रॉप लाइक बाजरा वीट कॉर्न रेडिश मारीगोल्ड लिव, अभी कितने सालों तक की ये रहते, इसके बारे में इनकी लाइफ साइकिल कितने दिनों के लिए चलती। जैसा अभी ये ज्वार है, सनफ्लावर है, इनकी वन ईयर में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और यानी एक ही साल वो फ्रूट और फ्लावर देते करके वो प्लांट को जो बोलते हैं एन्यूअल प्लांट, ठीक है, यानी एक दफ़े उन्होंने फ्रूट और फ्लावर देने के बाद में वो प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो प्लांट को क्या बोलते हैं एन्यूअल प्लांट। अभी ये जवार है सनफ्लावर है, ये साल में एक ही दफ़े फ्रूट और फ्लावर देते और उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, उनको बोलते हैं द एन्यूअल प्लांट। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट लाइक द कैरोट बीटरूट इज ऑफ 2 ईयर। अभी ये कैरोट की बीटरूट की लाइफ साइकिल कितनी सालों तक के चलती, 2 साल, और वो फ्रूट और फ्लावर एक ही दफ़े देते करके उनको बोलते हैं द बाइनियल प्लांट्स। By means two, the life cycle of plant like the carrot, beetroot is of 2 years, so they are called as a biennial plant. The shrub likes the hibiscus and the oleander, and the trees like the mango, gulmohar, live for the several years and bears flowers and fruit. करके इनको बोलते हैं perennial plant, जो सालों साल fruit और flower देते वो plant को बोलते हैं perennial plant. According to the period of their life cycle, the plants are classified as annuals, biennials and perennials. Life cycle के हिसाब से इनका 3 ग्रुप में classification किया गया। अभी to which part of the plant and butterflies and insect attracted? अभी plant के कौन से part को, कौन से part की तरफ जो insect है
या बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई इज अ इंसेक्ट, ये उसके तरफ अट्रैक्ट होते, कौन से पार्ट की तरफ, जो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, नेक्टर मीन्स हनी कलेक्ट करने के लिए, वो जो इंसेक्ट है बटरफ्लाई वो किसके तरफ अट्रैक्ट होते, तो प्लांट के फ्लावर के तरफ। जो प्लांट है जिनको फ्लावर आते हो गए फ्लावरिंग प्लांट, और जिनको फ्लावर नहीं आते हो गए नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बारे में तुमको 9th स्टैंडर्ड में पूरी डिटेल में स्टडी आएंगे, और कि फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट एज अ उसको फिर वो क्रिप्टोगैम बोलते, नॉन फ्लावरिंग को फिनरोगैम बोलते, इसके बारे में स्टडी तुमको 9th में पूरी करनी पड़ेंगे। तो इसके अभी फिलहाल इसका बेस जो है, बेसिक कंसेप्ट अभी यहीं पे पूरे होना, कंप्लीट होना जरूरी है। द प्लांट दैट बियर्स द फ्लावर्स कॉल्ड एज एन फ्लावरिंग प्लांट, व्हाइल द प्लांट्स दैट नेवर बियर द फ्लावर्स आर कॉल्ड एज एन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट मे नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट को रूट, स्टेम, लीव्स ये ऑर्गन्स नहीं आते, फ्लावरिंग प्लांट को ये सब ऑर्गन्स है। अभी व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर टूडस्टूल्स एंड मशरूम, भाई इनको ऑर्गन्स नहीं है, रूट, स्टेम, लीव्स लाइक ऑर्गन्स। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज द फिग, फिग वो कौन से टाइप का प्लांट है, इसको डू द फर्न, अल्गी, फर्न मीन्स वो ये डेकोरेटिव प्लांट है, गार्डन में इसको लगाते। मनी प्लांट बियर द फ्लावर्स, अभी इनको फ्लावर नहीं आते, ये कौन से टाइप में इसको रिमाइंड करने का है। अभी डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन इंडोनेशिया, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट रेफ्लिसिया अर्नोल्डी इज अबाउट 1 meter, 1 meter इतना बड़ा फ्लावर है ये इंडोनेशिया में, इसका डायमीटर 1 meter, द डायमीटर इज 1 meter। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज एन ओल्फिया और डकवीड, इट्स डायमीटर इज एन स्मॉल एज 0.5 millimeter, इतना स्मॉल फ्लावर है। तो लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लिसिया, अभी ये फ्लावर इज द फ्लावर का प्लांट का कौन सा नाम है, रेफ्लिसिया अर्नोल्डी, ये इंडोनेशिया में आता, ये फिल इन द ब्लैंक मैच दी पेयर में पूछी जाता। और स्मॉलेस्ट कौन सा है, जिसका जो डायमीटर है 0.5 millimeter, ओल्फिया और डकवीड। अभी इसके बारे में उसकी स्टडी करने की है। अभी कैन यू टेल वेयर डू द पोमग्रेनेट शब ग्रो, हाँ भी इनकी ग्रोथ होती है पोमग्रेनेट की। वेयर डज द लोटस ग्रो, लोटस की ग्रोथ कहाँ पे होती है। वेयर डू द बुलरिशेस एंड रेल रोड क्रीपर्स ग्रो, इनकी ग्रोथ कहाँ पे होती। वेयर डज द डॉटर प्लांट ग्रो, इसके बारे में भी इसकी जरा उसको रीड करने का है, और कल उसके ऊपर के अपन क्वेश्चन आंसर लेंगे। ये जो है तुमने पढ़ाई करके रखना, और वहीं पे से मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आंसर देना, नहीं तो मैं ही यहाँ पे आपको आंसर दिया करूँगा। वी सी द डिफरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन अ डिफरेंट प्लेसेस अराउंड अस, अलग अलग प्लेसेस पे, कुछ डेजर्ट में है, कुछ पोलर रीजन में है, कुछ ड्राई रीजन में, ऐसे अलग अलग रीजन में अलग अलग प्लांट आते। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाट, हैबिटाट यानी जहाँ उनकी रहने की जगह है, जहाँ उनको सुटेबल कंडीशन है ग्रोथ होने के लिए, वो हो गई उनकी हैबिटाट। और द प्लेस वेयर दे ग्रो, लैंड, वाटर, मॉर्श एरिया, डेजर्ट और इवन अ बिग ट्री आर द वेरियस हैबिटाट ऑफ द प्लांट। कुछ लैंड पे आते, कुछ वाटर में आते, मॉर्श एरिया में आते, साथ में डेजर्ट में आने वाले, कुछ बिग ट्री के ऊपर उनकी ग्रोथ होती, वो ऐसे हैबिटाट वाले प्लांट। एंड यूज यूअर ब्रेन पावर, वाई डज द वाटर हाइसिन फ्लोट ऑन वाटर, अभी ये वाटर हाइसिन ये यानी इसकी जो हैबिटाट है वाटर में इसकी ग्रोथ होती, अभी वो वाटर हाइसिन फ्लोट क्यों होती भी उसकी स्टडी करने की। उसके जो स्टीम है, उसके लीफ है, तो उसमें क्या रहती है, एयर सैक्स रहती, उसकी स्टडी करने की। वाई इज द स्टेम ऑफ द कैक्टस फ्लेशी, फ्लेशी उसकी स्टेम क्यों रहती कैक्टस की।
व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया आर यूज टू क्लासीफाई द प्लांट, कौन से क्राइटेरिया रखे गई प्लांट का क्लासिफिकेशन करने के लिए, इसको ज़रा रिमाइंड करने का है, कल हम आगे उसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।